दोस्तों, आइसक्रीम पार्लर को हम अपने मॉल में लेके आएंगे, वो कैसे मिनटों में आप सीख जाएंगे। सिर्फ 4 मिनट लगेगा बस ये बॉल बनाने के लिए। मैंने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा बॉल लेके हूँ, ये देखिए। इस बॉल में हम पूरा डेकोरेशन करेंगे, आइसक्रीम कैसे सर्व करेंगे आज सीखेंगे हम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्लेन केक ले लेंगे। केक को ये देखिए ऐसे राउंड ऐसे पीसेस बना लें, देखिए ऐसे निकाल लेना। हाँ हाँ, देखिए ऐसे बन गया। अभी और एक निकाल लेंगे, जितना आया इतना ही ले लेंगे, कोई बात नहीं, आइस में ही बैठेगी हमारे बॉल में। देखिए दोस्तों, ऐसे करके इसको एक साइड में रख लें, ये साइड के पीसेस वेस्ट ना करें, ये भी काम आ जाएगा दूसरे चीज में खाने के लिए आपको। ये देखिए ये पीसेस है ना, इसको हम क्या करेंगे ऐसे काट के अलग सा ये रख देंगे, ब्राउन पीसेस, इसका ब्राउन साइड पार्ट, ये भी ले लें साइड पार्ट। देखिए ऐसे करके ये साइड पार्ट हटा देंगे, ऐसे रख लें, ये हो गया। अभी ये देखिए, ये है रसगुल्ला, छोटा सा रसगुल्ला लेके हूँ मैं, आप चाहे तो दूसरा बड़ा रसगुल्ला भी लेके पीसेस बना लें, मेरे पास छोटा रसगुल्ला था तो छोटा रसगुल्ला लेके हूँ, और इसको हाफ ऑफ पीसेस बना लें ऐसे। देखिए हाफ ऑफ पीसेस बना के साइड में रख लें, सारे पीसेस भी डाल सकते हैं आप चाहे तो ऐसे ही, लेकिन सही तरीका बता रही हूँ मैं डेकोरेशन का, आइसक्रीम कैसे सर्व करते हैं। आइसक्रीम तो वैसे ही देखते ही बच्चे टूट पड़ते हैं, बच्चे ही क्या दोस्तों, हर कोई, इसमें कोई उम्र नहीं होती आइसक्रीम में, सिर्फ दांतों की थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो बस रुक जाते हैं, लेकिन ये सब डालने के बाद में दांत का दर्द भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, खाने लगेंगे हर कोई। ऐसे बना रही हूँ मैं अभी, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए ये है चेरीस, देखिए चेरीस लेके हूँ मैं, इसको हम हाफ हाफ ऐसे काट लेंगे, चेरीस चेरीस हाफ हाफ ले लेंगे ऐसे। चॉकलेट बिस्किट है ये, थोड़ा से क्रश करके रख लें, आप कौन से भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। ये देखिए चॉकलेट चिप्स बिस्किट है ये। अभी हम ये देखिए, ये भी थोड़े लेके हूँ मैं, चॉकलेट बॉल है ये, चॉकलेट बॉल। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम केक की पीस रखेंगे, प्लेन केक की पीस जो अब हम कट कर रहे थे वही है। अभी हम आइसक्रीम ले लेंगे, ये देखिए इसके पीसेस बनाकर डालेंगे। ये देखिए आइसक्रीम लेके हूँ मैं, फैमिली पैक की आइसक्रीम है ये, आप जैसे भी चाहें वैसे ले लें, इसको भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे डाले हूँ। देखिए सारा आइस पार्लर हमारे ही बॉल में आएगा। अभी देखिए क्या करना है इसको, ये देखिए ऐसे पीसेस में जो राउंड बनाई वही पीसेस हैं ये, अभी इसको रख देंगे। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे ये बिस्किट जो हम क्रश करके रखे थे, चॉकलेट चिप्स बिस्किट वही है, जितना चाहे इतना आप डाल दें। दोस्तों चॉकलेट ड्रेसिंग है ये, चॉकलेट ड्रेसिंग डाल दें ऊपर से ऐसा प्रेस करके, देखिए हाँ बस। अभी हम क्या करेंगे इसके ऊपर, हम थोड़ा सा ये चेरीज डाल देंगे और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, आपको जो पसंद है वो ड्राई फ्रूट डालें। फिर से अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये देखिए रसगुल्ला है जो हम कट करे थे अभी पीसेस, अभी हम इसके ऊपर एक केक की पीस डालेंगे ऐसे वाले, अभी इसके ऊपर हम डालेंगे ये देखिए। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे रसगुल्ला अगेन,
अगेन स्ट्रॉबेरी हमारी, इसको पेट डाल देंगे। अब हम इधर ये देखिए ये कैसे खूब डाल दिए एक, इसको बस है चाहे तो आप इधर भी एक डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस ये एक डाल रही हूँ। और चाहे तो आप देखिए ये आइस पार्लर है ना हमारा, तो पूरा हम इधर ही लेके आएंगे। मैं बोली थी ना आपको, कही थी वही, तो ये भी डाल देंगे हम पिंक वाले। हाँ, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, और अभी बच्चों की पसंद के चॉकलेट बॉल आएंगे। ये देखिए बच्चे तो बच्चे, क्या दोस्तों, हर कोई टूट पड़ेंगे इस बॉल पे सचमुच। रमजान में इफ्तारी के लिए हो या समर में हो या आप कहीं भी बाहर से आए हो गर्मी के मौसम में, तो ये बॉल बनाकर आपको सर्व कर देंगे तो वाह मजा आ जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए ऐसे कर लें, ऐसे बनाकर घर में बैठकर आप आराम से खा सकते हैं। इफ्तारी में तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये इफ्तारी में मिल जाएगा तो आपको, है ना, पेट में ठंडक और सुकून मिल जाएगा आपको। देखिए दोस्तों कितना मजेदार लजीज बन गया है बाउल। अभी एक चीज मिस हो गई है, अभी मैं डाल दूंगी, वो भी पूरी हो जाएगी। ये देखिए अब हम डालेंगे इसके ऊपर चॉकलेट ड्रेसिंग जो आपको कहीं भी मिल जाएगी, आपको चॉकलेट ड्रेसिंग मॉल में मिल जाएगी। स्पेशल ज्यादातर ये बेकरी के आइटम जिधर मिलते हैं आपको बनाने के, बेकरी के आइटम्स उधर में मिलेगा। और ऐसे करके इसको और अच्छा डेकोरेशन आ जाएगा। ये देखिए वाव, सो नाइस एंड ब्यूटीफुल दोस्तों। ये बाउल कैसा लगा आपको, बनाकर खाएं और खिलाएं और सबको भी खुश रखें दोस्तों। हमेशा स्टे फिट स्टे हेल्थी।